फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जो ब्लॉगर पे इमेजेस यूज़ करते हैं, उस इमेजेस को हम कहाँ से डाउनलोड करें जो कि हमारे ब्लॉग पे कॉपीराइट का इशू नहीं आए, और उसको सेट कैसे करते हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम इमेज अपलोड करते हैं उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है। अगर हम इमेज अपलोड करते समय साइज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो ब्लॉग है वो हैवी हो जाएगा और हमारी जो साइट है वो ओपन नहीं होगी जल्दी से, और इससे क्या होगा, हमारे जो भी विजिटर्स हमारी साइट पर आएंगे वो हमारी साइट को छोड़कर किसी और साइट पर जंप हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा जो इमेज है, हमारा जो साइट है वो अगर लोड होने में ज़्यादा टाइम लगाता है तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे जो विजिटर्स होते हैं वो सोचते हैं यार ये साइट तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो वो आपकी साइट को छोड़कर किसी और साइट पर जाना पसंद करेंगे, ना कि आपके साइट पर ही टिके रहेंगे। तो इसीलिए हमें अपने इमेज को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, उसको कंप्रेस करके अपलोड करना पड़ता है, उसके साइज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और उससे भी ज़रूरी बात कि जो भी हम इमेज अपलोड करते हैं वो इमेज हमेशा कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। तो कॉपीराइट फ्री इमेजेस के लिए आपको मैं आज तीन साइट्स बताने वाली हूँ जहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं अपने ब्लॉगर के लिए, और उसमें थोड़ा बहुत किसी भी ऐप से आप जो हमारे मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पे आप जाकर कोई सा भी एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से जाके थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप अपने ब्लॉगर पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं वो कौन सी साइट्स है जहाँ से आप अपने ब्लॉगर के लिए इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो जो पहली साइट है वो है पिक्साबे। इस पिक्साबे साइट पे आपको ये देखिए, यहाँ पे फोटोज, इलस्ट्रेशन, वेक्टर्स, वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टनिंग फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक्स। तो आपको यहाँ पे हर तरह की इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक या वेक्टर्स, अगर आप कुछ 3D एनिमेशन पे काम करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम है तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए यहाँ से ये देखिए, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ पॉपुलर सर्चेस क्या है, बैकग्राउंड है, वॉलपेपर है, नेचर है, समर, बीच, मनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। ब्लॉगिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब साइट से इमेजेस डाउनलोड करते हैं और अपने ब्लॉग पे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ब्लॉगर के लिए कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे एक बार ब्लॉगर टाइप करके देखिए क्या आता है। ये देखिए, ये कुछ इमेजेस है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई सा भी इमेज आप किसी पर भी क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ये देखिए फ्री डाउनलोड लिखा होगा, यहाँ पे देखिए फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ नॉट एट्रिब्यूशन रिक्वायर्ड। तो ये हमारे फ्री यूज़ के लिए है, आप यहाँ से इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ब्लॉग पर डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है आपको कुछ अगर अपने ब्लॉग पर लगाना है तो आप इस पर नाम लिखेंगे कुछ ना कुछ। आप यहाँ पे अपने या तो पेंट से करिए या फिर अपने मोबाइल किसी ऐप से कुछ भी एडिटिंग करके यहाँ पे कुछ भी लिख करके आप उसको आप डायरेक्टली अपने ब्लॉग पे अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर आप जाके कोई वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कोई भी आपको म्यूज़िक चाहिए, यहाँ से वीडियोस चाहिए, जैसे किसी किसी को कुछ वीडियोस चाहिए होती है तो वो वीडियोस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कोई यूट्यूबर है जिन्हें फ्री म्यूज़िक चाहिए होता है तो वो यहाँ से म्यूज़िक भी जा करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने ब्लॉग पर, यूट्यूब पर लगा सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड साइट है वो है पिक्सल्स। पिक्सल्स में भी आपको बहुत सारे इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप जा करके अपने ब्लॉग के लिए इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे इमेजेस आपको यहाँ पे देखने लग गए होंगे। आप इनमें से कोई सा भी इमेजेस अपने ब्लॉग के लिए डाउनलोड करके अपने ब्लॉग पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो साइट है वो अनस्प्लैश है। लेकिन फ्रेंड्स, इस साइट पर सिर्फ और सिर्फ आपको ब्यूटीफुल फ्री इमेजेस एंड पिक्चर्स ही मिलेंगे। इसके अलावा इस साइट पर म्यूजिक और वीडियोस अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन के फ्री फोटोज और पिक्चर्स ही मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से भी आप अपने ब्लॉग के लिए इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ब्लॉगर पे यूज़ कर सकते हैं। इन तीन वेबसाइट्स के अलावा फ्रेंड्स, आप एक और तरीके से अपने ब्लॉगर के लिए इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। वो तरीका क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया ब्लॉगर पर इमेज कैसे बनाएं, इसके बाद मुझे क्या करना है, इमेज पे क्लिक करना है इमेज को चेक करने के लिए। उसके बाद इमेज पे क्लिक करने के बाद हमें किस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप ये देखिए फ्रंट आपको सेंटर में एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, तो हमें यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूजर्स राइट्स, तो यूजर्स राइट्स पे आप क्लिक कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑल और सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस और थर्ड नंबर पे आपको कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस दिखेगा। तो हमें जो सेकंड है वो चूज़ करना है, ये होता है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, मतलब हमें उस इमेज को
या फिर जिसमें भी क्रिएटिव कॉमर्स लाइसेंस, जिस भी वीडियो, इमेज या फिर इफेक्ट्स, किसी भी चीज़ में जो भी ये क्रिएटिव कॉमर्स लाइसेंस होगा उसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो फिर इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिख जाएंगी। उन सब इमेजेस में से बस आप इन्हीं इमेजेस को अपने ब्लॉगर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यही फ्री है, जिस पे आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा और ना ही आपको एडसेंस में अप्रूवल लेने में कोई इशू आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ तरीके जहाँ से आप अपने ब्लॉगर के लिए इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ब्लॉगर पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कि आप ब्लॉगर के लिए इमेजेस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप इमेज डाउनलोड करते हैं, तो मान लिया मैं आपको एक इमेज डाउनलोड करके दिखाती हूँ। जैसे ये कोई इमेज है, इसको मैंने फ्री डाउनलोड किया। फ्री डाउनलोड करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये पिक्सल्स पिक्साबे करके यहाँ पे नाम आ रहा है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम अपने इसको ब्लॉगर पे यूज़ नहीं कर सकते। इसमें इसका साइज़ भी होता है, तो मेरे पास फ़ोटोशॉप है, मैं एक्चुअली फ़ोटोशॉप यूज़ करती हूँ। तो मैं अगर इसको फ़ोटोशॉप में एक बार मैं इसको ओपन करके देखती हूँ इसका साइज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस इमेज का जो साइज़ है वो साइज़ है 2968 इसके विड्थ है पिक्सल्स और हाइट इसकी 1971 पिक्सल्स है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो फाइल है इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। मैं आपको डाउनलोड्स में जाके इस फाइल का साइज़ चेक करती हूँ एक बार इसका साइज़ क्या है। इसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी और इसको मैं एक बार ये देखिए ये 899 KB का है, यानी कि ये अप्रॉक्स 900 KB का है, जिसको हम डायरेक्टली अपने साइट पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फाइल है। तो मेन क्या होता है, हमें ब्लॉगर पे जो साइज़ जिस भी साइज़ की जो इमेज अपलोड करनी होती है वो होती है 100 KB से नीचे की। 100 KB से नीचे का इमेज अगर आप अपलोड करेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी साइट की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी साइट की स्पीड बनी रहेगी। और इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्लॉगर पे इमेज अपलोड करने का वो होता है हमारा, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखा हुआ, ये देखिए जो फुल साइज़ है इमेज का वो आप 100 KB से कम रखिएगा। पिक्सल साइज़ जो है वो 1200x628 या फिर 600x314 ये विड्थ और ये हाइट है, ये आपको रखनी चाहिए अपने ब्लॉगर इमेज के लिए। उसके बाद एक और मेन चीज़ होती है कि जब भी आप पोस्ट में इमेजेस का आप यूज़ करते हैं तो इसको हमेशा ओरिजिनल पे सेट करना चाहिए और इसमें ऑल्ट टेक्स्ट टाइटल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ऑल टेक्स्ट टाइटल का यूज़ करने से क्या होता है कि अगर मान लिया कि हमारी कोई भी पोस्ट हमने लिखी और वो रैंक नहीं कर रही है और हमने जो इमेजेस यूज़ करी है वो इमेजेस भी अगर रैंक करने लग जाती है, हमने जो टाइटल यूज़ किया है, ये जो ऑल टाइटल टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इमेज भी रैंक करता है। तो अगर हमारा इमेज भी रैंक किया और किसी ने अपने कीवर्ड को सर्च करने के बाद वो इमेजेस में चला गया, उसको इमेजेस चाहिए और वो इमेजेस में जा करके उसको दिखता है कि हमारा जो इमेज है वो वहाँ पे शो करता है, तो हो सकता है कि वो वहाँ से क्लिक करे और वो डायरेक्ट हमारी साइट पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो इमेज में ऑल टेक्स्ट यूज़ करने का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इससे हमारे जो साइट पे विजिटर्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉगर पे इमेज अपलोड करते समय ध्यान रखनी होती है। तो एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए, ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया, पहला जो है वो आपको फाइल का साइज़ 100 KB से कम रखना है, पिक्सल साइज़ हमेशा आपको 1200x628 या फिर अगर आपको छोटी इमेज चाहिए तो 600x314 का ही आपको विड्थ और हाइट का ध्यान रख के इसे उसी साइज़ में बनाना है। ये परफेक्ट साइज़ है ब्लॉगर पे इमेज अपलोड करने का। इसके बाद जब भी आप ब्लॉग पोस्ट में इमेज का अपलोड करेंगे तो उसे हमेशा ओरिजिनल पे सेट कीजिएगा। उसके बाद इमेज में ऑल टेक्स्ट का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं, आपको कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।